स्मार्ट जीके टेक्स के टू द हाइलाइट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड माइनिंग और सोनभद्र। आइए समझते हैं ये विषय सुर्खियों में क्यों है, लिहाजा ये आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी साबित होगा। आइए समझते हैं ये विषय सुर्खियों में क्यों है। सोनभद्र जिला, अगर हम सोनभद्र ज़िले की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया का दर्जा रखने वाला ज़िला, भारत में अकेला ऐसा ज़िला जो राज्यों की चार सीमाओं को स्पर्श करता है। आइए हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि वो चार सीमाएं कौन सी हैं जिससे सोनभद्र ज़िला स्पर्श करता है। ये सोनभद्र ज़िले का मैप है। यहाँ जो कोन एरिया है, यहीं पे इस सोने की जो खान अभी फरवरी में जो खोज पूरी हुई है वो यहाँ प्राप्त हुई है। बाकी हम आपको आगे समझाते हैं कि पूर्व में बिहार, पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में झारखंड। आगे चलते हैं, VRGFP से तात्पर्य है बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड प्रोग्राम से अनुदान प्राप्त करने वाला ज़िला। जी हाँ, यह एक इंडस्ट्रियल जोन भी है। यहाँ खनिज, बॉक्साइट, चूना, पत्थर, कोयला, सोना इत्यादि पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िले सोनभद्र में तीन किले हैं। पहले किले की अगर हम बात करें तो अंगूरी किला, दूसरे किले की अगर हम बात करें तो विजयगढ़ किला, तीसरे किले की अगर हम बात करें तो सोधरीगढ़ दुर्ग। चलिए हम उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी लखनऊ है, अगर सोनभद्र ज़िले की वहाँ से दूरी का एक आइडिया रखें तो वर्तमान में जो दूरी है वो 367.2 किलोमीटर हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दूरी पर सोनभद्र ज़िला स्थित है। आइए समझते हैं उत्तर प्रदेश मैप से सोनभद्र की इस सीमाओं को। देखिए, ये उत्तर प्रदेश जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य है, और उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिला हमारा ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके पूर्व में बात कर लूँ तो पूर्व में देखिए ये बिहार है। ठीक है, और यदि अगर दक्षिण पूर्व की बात कर लूँ तो दक्षिण पूर्व में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये झारखंड दिखाई दे रहा है। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य का सोनभद्र ज़िला, ठीक है, और यहाँ अगर मैं पूर्व में बात कर लूँ तो ये आपको बिहार दिखाई दे रहा है, और यहाँ अगर मैं दक्षिण पूर्व की बात करूँ तो ये आपको झारखंड दिखाई दे रहा है। ठीक इसके दक्षिण में सोनभद्र ज़िला जो है उसके दक्षिण में ये आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। ठीक है, अगर मैं इसके पश्चिम की बात कर लूँ तो देखिए ये पश्चिमी इलाका इसका, देखिए ये मध्य प्रदेश है, ये आप देख सकते हैं इसका। ठीक है, बाकी आगे हम बढ़ते हैं इसके टू द हाइलाइट्स पॉइंट्स पे। चलिए, गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड, इससे हम समझते हैं कि गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड के मुताबिक USA जो 8,133.5 टन के बिहाब पर वर्ल्ड में पहले स्थान पर काबिज हैं। इससे पहले द्वितीय स्थान पर 3,366 टन के साथ जर्मनी द्वितीय स्थान पर काबिज था, लेकिन सोनभद्र में लगभग 3,000 टन सोना मिलने के पश्चात भारतवर्ष यानी कि इंडिया ने अपना दूसरा स्थान काबिज कर लिया है। यानी कि हम बात करें तो वर्ल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत के पास वर्तमान में कुल गोल्ड रिजर्व 626 टन है। चलिए आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य विश्लेषण की विशेषताएं। यहाँ हम विशेषताओं की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के कारण भारतवर्ष ने जर्मनी को तीसरे स्थान पर कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, तीसरे स्थान पर कर दिया है, और खुद भारत द्वितीय स्थान पर काबिज हो गया है। इसकी जो मुख्य विशेषता है, अगर हम मुख्य विशेषता की बात करें तो जो हमारी खान है,
ठीक है, जो कि कोन के इलाके में है, जैसे मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाया है, जो हमारी कोन के इलाके में जो खान है, वो खान में खोजा गया जो सोना है, जिसकी लगभग मात्रा 3,000 टन है, उस विशेषता के कारण जो जर्मनी दूसरे स्थान पर काबिज था, उसको भारतवर्ष ने तृतीय स्थान पर काबिज कर दिया है। यानी कि जर्मनी की रैंकिंग में एक रैंकिंग की गिरावट हुई है और भारतवर्ष द्वितीय रैंकिंग पर काबिज हो गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं खोज की विश्लेषण का। देखते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI, ठीक है, साथ में है उत्तर प्रदेश डायरेक्टोरेट ऑफ जियोलॉजी एंड मिनिस्ट्री, यानी कि हम जिसका संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं UPTGM। ये दोनों हैं, ये दोनों जो हैं वो प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं वर्ष 1992-93 से। यानी कि उत्तर प्रदेश डायरेक्टोरेट ऑफ जियोलॉजी एंड मिनिस्ट्री UPTGM एंड GSI जो है लगभग 1992-93 से साथ में इस खान की खोज में लगे हैं। हम अपने आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि गोल्ड रिजर्व के लगभग 5 गुना होने का भी दावा है। इसकी नीलामी जो है वो ई टेंडरिंग के जरिए की जाएगी। खोज वर्ष GSI द्वारा 1992-93 से प्रारंभ की जा चुकी है। इस खान की जो खोज है वो पूरी हुई है आकर फरवरी 2020 में। चलिए आप सभी से वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि वॉच द फुल वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और क्या। चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द स्मार्ट जी के ट्रिक को। और आगे से आगे हमें कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको आगे शेयर करें, लाइक करें। नमस्ते।